हाँ जी, ये हुण दसो जिहड़ा उह कह रहे हो पंजीरी, जिहड़ी हल्दी दी पंजीरी, पंजीरी हल्दी ये में जनाब आपको हमारे एक भाई हैं और ये ज़ाहिर है गांव से हैं और इनका सेल्फ एक्सपीरियंस भी होगा, तो ये कुछ बताएंगे हमें। एक कच्ची हल्दी, हल्दी तो हम यूज़ करते हैं ना, तो हल्दी के बारे में एक इनकी पंजीरी की रेसिपी इन्होंने बताई है कि जनाब वो बड़ी बेनिफिशरी है डिफरेंट, और ख़ुसूसन जो लोग कमर दर्द की शिकायत करते हैं और इस तरह, उनके लिए बड़ी बेनिफिशरी है। तो आएँ ज़रा पूछते हैं, मेरा दिल किया है कि ज़रा हम जानें कि कच्ची हल्दी जो है इसके काफ़ी फ़वाद हैं। पहले एक चीज़ दसो ज़रा, हाँ जी कई लोग कहते हैं कि कच्ची हल्दी जड़ी है हाँ जी ये जहर है, नहीं कोई जहर नहीं मतलब सुनी है ना चीज़, ठीक है वो कहते हैं जी कच्ची हल्दी खाना ये एवें है जिवें बंदा जहर खा लेंदा है, ना ना ये नहीं नुकसानदेह है ना कच्ची ना हल्दी, यानी इहदा तरीका उही है, पहले उबालो तो फिर फर्दर प्रोसीजर नहीं जो नहीं अगे हैगा जे वो करो। पनीरी पानी है तो इनू धो नहीं फिर वक्त कच्ची हल्दी की गल हो रही है, कच्ची हल्दी नहीं कुछ नहीं कोई जहर नहीं यानी खा मतलब लेना तुसी पट्टो पट के धो शो के तो खा तो खा लवो। लो कोई नहीं हाँ मसला भावें जो कपड़े असं गंढी जल्द पटते हैं जो चंकी सू गंढी लगे हैं जो कपड़े का साफ करते हैं अभी धोते भी नहीं है जनाब चब के खा लेने तो ठीक कड़त्तन है, तो उस होंगी है लेकिन नहीं कोई वो तो उनकी फितरत है ना जी, फितरत है हाँ वो जी तो फितरत है उनकी कड़त्तन तो उस जी। होंगी है ठीक हो गया, लेकिन चलो हुण दसो जिहड़ी पंजीरी तुसी कहंदे पे उहनां दा, उहनां हाँ पर जी प्रॉपर इहदा तरीका दसणा जे, रेसिपी इहदी पूरी दसो की तरीका पनीरी है, हाँ जी इन उच्ची बोलो जरा थोड़ा। धोना है इनू हल्दी ठीक धोना है ठीक हो गया, धो के इनू कुटना कूडी च कूडी जल्द ऐसे कुट वेखो कुट लेना है ना एंदे च, वेखो एंदे च हाँ कैमरे च, कूडी जल्द कुट लेना है तो इनू जनाब फिर कुट के घ्यो च भुनना है घ्यो च भुनना है जिवें मसलन भी आप पकौड़े पकूड़े कड़ने जिसमें घ्यो नहीं मतलब कच्ची हल्दी लई सब तो पहले चंगी तरह धो धो लेना। ली हाँ जी अच्छा फिर उन्होंने कुटना है कूडी च अच्छा बरीक कर देनी है अच्छा ठीक है ना जिम्मे छछर नहीं इस तरह कर देनी है ठीक है, उन्होंने घ्यो च जिन्ना घ्यो जिम्मे आप हलवा पकाने घ्यो च भुनना है वे अद्धा किलो घ्यो पा लेना है देसी घ्यो ना ना जिवें मर्जी पा जो लो। डालडा पा लो भावें थोड़ी हाँ गुंजाइश के मुताबिक आ हाँ तो ठीक वो हो गया, 2 किलो हल्दी हो अद्धा किलो घ्यो पा लो जो भुन भन लो ठीक जल्द है। भुन ली आ उस बाद थले ला लेना कढ़ाई में उस बादाम पा लो पिस्ता पा लो खंड पावो जो कुछ भी मर्जी जिन्ना वह मिठा वह बन जाए ठीक है, उन्होंने जी ना दूजी चीज़ें यानी पै ये जानी कड़वाहट या तुरशी तुहानू नाम जिथे तुहानू वो अच्छा घ्यो ही लगे। खत्म कर दूंगा जल्द भुनोगे ना वो घ्यो खत्म कर दूंगा अच्छा अच्छा कड़वाहट हाँ ठीक जी हो गया। असं हूँ छोले भी पाने बिच कुट के बादाम भी पाने पिस्ता भी जनानी पनीर भी पाने बाबे पनीर पा के दे दी है वो जनाब फिर थोड़ी कड़ाहट जी वो तो घ्यो ही खत्म कर दूंगा लेकिन वो जल्द तुम खावेंगे ना मेरा मतलब है खानी कि महीने आ 11वें तो बाद खानी है यार यानी सर्दियां च खानी है सर्दियों खानी है सिंपल, जो सर्दी वाहवा हो उदो हाँ भी खानी बड़ी है, फुल गर्मियां गर्म च नहीं खानी है। गर्मी नहीं गर्मी तो बंदे नूं एलर्जी कर देती है फुल गर्म जी होंगी है तो फिर वो के सियाल भी होंगे कोई सियाल कड़क मारता है कोई जनाब बंदे यानी सीजनल चीज भी आ गई ना अगे हुण, सीजनल चूंकि चीज सर्दी है आ गई हाँ है। जी हूँ साडा अब्बा मेरा मतलब 5-7 किले कमाद वढ़ता हों तो जनाब मे किन्नी उम्र 80-90 साल उम्र थी तो माशा सारा अल्लाह, टोकी ना कमाद आपे वढ़ता है तो पंजीरी अच्छा बस पा के खाता है तो असं भी हूँ तेरे सामने मेरा तो मतलब वड वुड लेंदा है, कोई पेन नहीं हाँ थे। ना ना कोई असी तो मसला माड़ा जिन्हें झुकने हैं तो बाहर खड़ा नहीं होया खड़ा जाता, नहीं होया जाता वो जनाब हकीकत पंजीरी है। हाँ जी वो पंजीरी लाजमी पाता है तो घ्यो सिर्फ भुननी है तो कोई मसला नहीं है अगर नहीं साडा तुम ले लो अभी थोड़ा कोई पाइया अद्धा किलो बना के पंजीरी मेरा मतलब आपके तौर पर पाइया थोड़ा दिखावे खा लेंगे हल्दी भी थोड़ा दसूगी तो किसी वे मौका लगे साडा नंबर ले लो तो असं इंशाल्लाह थोड़ा कोई पाइया लिया के देवे वो जी चीज़ा पाइया हो सानू भी अल्लाह अजर दूगा तो तुम अगर फिर बनाने का तरीके कर तुम दस दे घ्यो भुनना है 2 किलो हल्दी हो अद्धा किलो घ्यो हो अधूर है ना उन्होंने भुनी जाऊगी वो घ्यो थोनों आप भी देसी पा लो या डालडा पा लो कोई मसला नहीं है जिनी थोड़ी जी गुंजाइश हो ठीक है ठीक है, तो बाकी बादाम पा लो छोले पा लो जी जी शायद जो तुम पानी वो कवाहट भी खत्म हो जाऊगी तो वह जनाब ताकत भी रहूगी ताकत की चीज़ जी मर्जी जी पा लो वो जनाब थोड़े लक में पता दसूगी भी हाँ मैं दस दी हाँ एडा खर्चा कोई नहीं है 1000-1200 रुपये का खर्चा सारा किलो 2 किलो हल्दी कोई 2-5-700 का दूजा समान 1000 च पंजीरी बन जाती है नहीं इंज कर सकते कड़त्तन तो होनी है कच्ची हल्दी किलो ले लो रख लो कोल 2 गंढियां सुबह शाम मेरा मतलब एक गंढी उस टाइम भी किस टाइम खा लो फिर भी थोड़ा हल्दी दसूगी कौड़ी तो हम दवाइया ले दी हाँ बाहर हाँ का बिल्कुल कौड़ी होंगे होंगे ने। हैं असं खाते रहने उबालते उबालते अच्छा भी खा जाइए ठीक हो गया। अच्छा एक हुण शॉर्ट वे च दोबारा फिर समझा दो, क्योंकि लेंथी जो वीडियो बनती है ना तो बाज़ मरतबा लोगों, शॉर्ट एक दफ़ा मुख्तसर, सिर्फ लंबी चौड़ी नहीं ठीक है भी, एनी हल्दी सब तो पहले हल्दी कड्डो तो वो ए ठीक करो, उससे शॉर्ट वे च समझा दो एक दफ़ा फिर पंजीरी का हल्दी तरीका। 2 किलो हल्दी हो जी उन्होंने धो लो धो के कूनी च कुट लो जी कुटन तो बाद अद्धे घंटे बाद या पौने घंटे बाद मसलों पई रहे हवाड़ अच्छा, ये वो कच्ची हल्दी की बात कर रहे कच्ची हैं, हल्दी की गल कर पाउडर रहे फॉर्म में नहीं बात कर रहे हाँ जी हैं।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜਾਈ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੜਾਈ ਜਨਾਨੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਘੰਟਾ ਲੱਗੇ ਅੱਧਾ ਲੱਗੇ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਹਲਦੀ 'ਚ 2 ਕਿਲੋ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਓ ਕੜਾਈ ਨੂੰ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਖੰਡ ਖੁੰਡ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਾ ਲਓ, ਕਿਲੋ ਪਾ ਲਓ, ਬਦਾਮ ਪਾ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਲਵਾਜ਼ ਮਾਜ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਡਾਲ ਦਿਓ, ਦਿਲ ਭਰੋ ਉਹ ਡਾਲ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨੂੰ ਗੜ ਦੂਗੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ 2 ਕਿਲੋ ਹਲਦੀ ਕੱਲੇ ਜੋੜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕੱਚੀ ਕਦੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਦਰਦ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਖਾਣੀ 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਅਜੇ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਖਰਾਬੀ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇ ਸਰਦੀ, ਫੁੱਲ ਸਰਦੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮਤਲਬ ਖਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਖਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅੱਧ ਪਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਅੱਧ ਪਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵੇ? ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅਸਲ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਟੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 2 ਘੰਟੇ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਲਵੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲਓ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ। ਤੇ ਚਮਚਾ ਚਮਚਾ ਹੀ? ਨਾ ਨਾ ਅੱਧ ਪਾ ਖਾਵੋ, ਸ਼ਰਾਕੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਧ ਪਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਚੋਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਛੰਨੀ ਅੱਧ ਪਾ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਇੱਕ ਛੰਨੀ ਸਮਝੋ ਲੈ ਲਓ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਿੱਚ ਜਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਅੱਗ ਤੇ, ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੇਸੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਲਡਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਲਡਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਦਾ, ਦੇਸੀ ਦਾ ਤਾਂ 1500-1600 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਗੰਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਆਪਕਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਆਪਕੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸਲੋਂ ਇਸ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ, ਸੁੱਕੀ ਹਲਦੀ ਲੈ ਲਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਲੱਪ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ, ਇੰਜ ਗੱਫਾ ਮਾਰ, ਉੱਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪਾਈਆ ਪੀ ਲਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ 4 ਦਿਨ ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ, 4 ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁੱਖ ਜੇ, ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਲਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਯਾਰ ਦੁੱਖ ਰਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਡੋਕੀ ਉਹ ਮਾਰੀ ਆ, ਸੁੱਕੀ ਹਲਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀਸੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਵੀ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਗੱਫਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਪੂਰਾ, 4 ਦਿਨ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਾ ਸੁਧਰੋ, ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਪੰਜੀਰੀ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਪੰਜੀਰੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਘਿਓ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਬਦਾਮ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਲਾਣੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੁੱਕੀ ਪਾਈਆ ਲੈ ਲਓ, ਪੂਰਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਕ ਦਿੰਦੀ ਯਾਰ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਲਾ ਦੇਖ ਲਾ, ਬੰਨਿਆ ਲੱਗ ਦੇ ਪਾਰੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਖੋਲਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੱਢੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਭਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇ ਆਜ ਹਮਾਰੀ ਬਾਈਕ ਕਾ ਪੈਂਚਰ ਲਗਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕੂ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਗੰਢਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੇ ਜਨਾਬ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਆਪਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪਾਉਣੇ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ।